नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का बटन लगा सकते हैं। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं यदि आप भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का बटन लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट जानकारी दूंगा कैसे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का बटन ऐड करेंगे यानी फॉलो का बटन लगाएंगे। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से अपने फेसबुक प्रोफाइल पर ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का बटन लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे अपना सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके प्रोफाइल पर फॉलो का बटन दिख रहा है या ऐड फ्रेंड की बटन दिख रहा है। वो चेक करने के लिए गाइस क्या करना, सिंपली आपको यहां पर राइट साइड आपको ऊपर देखने मिलेगा थ्री लाइन, बस क्या करना सिंपली आपको इस थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपका प्रोफाइल, बस क्या करेंगे सिंपली आपको अपना इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको चेक करने के लिए कि मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है उसमें ऐड फ्रेंड दिख रहा है या फॉलो का बटन दिख रहा है, वो चेक करने के लिए क्या करना सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा थ्री डॉट, बस क्या करना आपको यहाँ पर इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे फोर्थ नंबर में आपको देखने मिलेगा व्यूज एज, यहाँ पे आप देखेंगे व्यू एज, बस क्या करना आपको इस व्यू एज पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पे ऐड फ्रेंड का बटन दिख रहा है, यानी जो भी मेरा नाम लेकर सर्च करेगा, जो मेरा नेम सर्च करेगा फेसबुक पर, उसको यहां पर ऐड फ्रेंड दिखेगा, ना कि फॉलो का बटन दिखेगा। तो यहां पे कैसे आप फॉलो का बटन ऐड करेंगे, कैसे अपना फॉलो का बटन यहां पर लगाएंगे, वो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि यहां पे आपका फॉलो का बटन यहां पे दिख रहा है या ऐड फ्रेंड के बटन दिख रहा है। तो दोस्तों यहां पे तो आप देख चुके हैं जो कि मेरा है यहां पे ऐड फ्रेंड का बटन दिख रहा है, तो यहां पे मैं फॉलो का बटन आपको यहां पे लाइव करके दिखा रहा हूं कैसे आप ऐड करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे आपको यहां पर, यहां से आपको बैक आ जाना है, यहां पे क्या करेंगे पूरी तरह से आपको यहां पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद क्या करेंगे सिंपली फिर से आपको इस थ्री लाइन पर ऊपर में क्लिक करेंगे। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद फिर से क्या करेंगे आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, बस क्या करेंगे सेटिंग्स प्राइवेसी पे आपको यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने मिलेगा सेटिंग्स, यहां पर देख सकते हैं, बस क्या करना फिर से आपको इस सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने वाले गाइज यहाँ पे आपको तीन चार सेटिंग्स को आपको यहाँ पर ऑन करना होगा। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने वाले गाइज यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे नीचे देखेंगे ऑडियंस एंड विजिबिलिटी, उसी के नीचे आप देखेंगे आपको थर्ड नंबर में देखने मिलेगा, थर्ड नंबर में देखेंगे हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू। तो यहाँ पे देखेंगे हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, इस पर क्या करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आपको देखने मिलेगा हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, बस क्या करेंगे आप हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एवरीवन पे क्लिक रहेगा, इसको क्या करना आपको यहाँ पर नीचे में आपको देखने मिलेगा फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, यहाँ पर आप नीचे में आपको क्या करना नीचे वाला ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद क्या करेंगे सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे आपको बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद गाइस क्या करेंगे आपको यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर में देखने मिलेगा, फोर्थ नंबर में देखेंगे जो कि हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू के नीचे आपको फोर्थ नंबर में देखने मिलेगा पोस्ट, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस पोस्ट पर यहां पे नीचे वाला पोस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे क्या करेंगे आपको यहां पर पब्लिक कर देना है। अगर आपका यहां पर पब्लिक पे क्लिक नहीं रहेगा तो यहां पर क्या करेंगे आपको सिंपली पब्लिक पे क्लिक कर देंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आपको बैक आ जाना, यहां पर सिंपली आपको क्या करना बैक आ जाएंगे। बैक आने बाद गाइस क्या करेंगे आपको यहां पर नीचे में आप देखेंगे यहां पे आपको देखने मिलेगा फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, यहां पे देखेंगे फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, बस क्या करेंगे आपको यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सामने फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट का यहां पे आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। बस क्या करेंगे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने गाइस यहां पे आप देखेंगे यहां पे क्या करना आपको सभी में पब्लिक पब्लिक में क्लिक करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स में क्लिक है तो यहां पे क्या करेंगे पब्लिक में क्लिक कर देंगे। यहां पे आपको सारा कुछ में आपको क्या करेंगे पब्लिक में क्लिक करेंगे। देखेंगे यहां पे हु कैन सी योर फॉलोअर्स एंड टाइमलाइन, इस पर भी पब्लिक में क्लिक है। उसके बाद आप यहां पे स्क्रॉल
स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी पब्लिक है, यानी आपको यहाँ पर सारा कुछ में पब्लिक करना। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, उसी के नीचे देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एवरी वन पे क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पर पब्लिक नहीं आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एवरी वन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल इन्फो, यहाँ पर क्या करेंगे आपको पब्लिक कर देना है, यहाँ पर भी आपको पब्लिक करना है, यानी आपको सारे जगह पब्लिक कर देंगे। पब्लिक करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर आपका सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पर बैक आ जाएंगे, यहाँ पे पूरी तरह से आप बैक आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर आपका अगर फेसबुक प्रोफाइल पर लॉक लगा के रखें तो क्या करेंगे, आपको वहाँ पर अनलॉक कर देना है। बहुत सारा यूज़र क्या होता है कि जो फेसबुक यूज़र्स होता है वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लॉक लगा के रखते हैं, तो उसको क्या करेंगे आप अनलॉक कर देंगे। तो यहाँ पर सारा कुछ सेटिंग्स को ऑन करने के बाद जैसे मैं बताया हूं आपको, जैसे मैं आपको यहां पे ट्रिक फॉलो करके बताया हूं, अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो यहां पे आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, यहां पे आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है वहां पे फॉलो का बटन दिखने लगेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको वो चेक करने के लिए कि मेरा फेसबुक प्रोफाइल में फॉलो का बटन ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आपको फिर से क्या करना, आपको यहां पर ऊपर साइड देखेंगे थ्री लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे देखेंगे यहां पे अपडेट नहीं हुआ, मैं फिर से यहां पे फेसबुक को बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद फिर से मैं अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद गाइस यहां पे क्या करेंगे, फिर से अपना इस थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद फिर से क्या करेंगे, अपना फेसबुक प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। फेसबुक प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा थ्री डॉट, इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद देखने मिलेगा व्यू एज, बस क्या करेंगे इस व्यू एज पर क्लिक करेंगे। व्यू एज पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया हूं, यहां पे मेरा जो पहले था ऐड फ्रेंड दिख रहा था, लेकिन अब जो है मुझे यहां पे फॉलो का बटन यहां पे मुझे मिल चुका है, मेरा यहां पे फॉलो का बटन ऐड हो चुका है। और यहां पे जो भी पर्सन मेरा नाम लेके सर्च करेगा तो उसको फॉलो का बटन देखने मिलेगा। और दोस्तों यहां पे आपको याद रखना, आपका अननोन पर्सन सर्च करेगा आपका नेम तब उनको फॉलो का बटन दिखने मिलेगा। अगर आपका फ्रेंड होगा, अगर वो सर्च करेगा तो यहाँ पे आपका फॉलो का बटन नहीं दिखेगा। अगर आपका फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स रहेगा, यानी आपका दोस्त का दोस्त रहेगा, वो सर्च करेगा तो वहाँ पे भी आपको फॉलो का बटन उसको नहीं दिखने मिलेगा। यानी आपको अननोन पर्सन, यानी कोई आपको नहीं जानता और आपका नाम सर्च करता तो उसको क्या होगा, फॉलो का बटन देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पे फॉलो का बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि मेरा पहले इससे पहले था, मेरा ऐड फ्रेंड का बटन था, लेकिन अब जो है मुझे यहाँ पे फॉलो का बटन यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका, सक्सेसफुली यहां पे मेरा फॉलो का बटन यहां पे अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से बढ़िया आसानी से अपने फेसबुक प्रोफाइल पर ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का बटन इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, इस तरह से अपना फॉलो का बटन लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज, तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।